हाईवे के लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन कनेक्टिविटी इस भूंगर चौक के डिकैथलॉन के सामने से आज के हमारे प्रोजेक्ट को रोड तो जाता ही है, साथ ही साथ इस JSPM कॉलेज के साइड वाला रोड भी आज के हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने ही जाता है। और मुंबई बैंगलोर हाईवे के इस जुड़ियो के साइड वाला रोड डायरेक्ट कनेक्ट करता है आज के हमारे प्रोजेक्ट से। मुंबई बैंगलोर हाईवे और औंद्रावे BRTS रोड दोनों रोड 500 मीटर के डिस्टेंस पे, भूमकर चौक और डांगे चौक भी 1.5 किलोमीटर के सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि आज का हमारा प्रोजेक्ट लोकेट करता है ताथौड़े में। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रोजेक्ट। अब हम आ चुके हैं आपके 3BHK फ्लैट में। यहाँ पे आपको ये वुडन लैमिनेटेड डोर मिलता है विद दिस डिजिटल डोर लॉक, और हाँ साथ ही साथ आपको वीडियो डोर फोन भी मिलने वाला है। और मेरे पीछे जो ये वॉल दिख रही है, इस वजह से आपके घर की प्राइवेसी पूरी तरह से मेंटेन होगी। और ये है आपकी ब्यूटीफुल एंट्रेंस लॉबी। इस लॉबी में आपको आपके शू रैक के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है। और ये है आपका एलिगेंट और ह्यूज लिविंग एरिया जिसकी साइज है 16.10 by 11। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत 7-सीटर सोफा डिजाइन किया गया है। आप भी इसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल अपोजिट ही मिल जाता है आपके टीवी यूनिट के लिए स्पेस। और इस तरफ है आपके लिविंग एरिया की विड्थ जितनी खूबसूरत अटैच्ड और कवर्ड बालकनी। वाओ, कितनी खूबसूरत है ना आपके इस लिविंग एरिया की ये बालकनी। इस बालकनी की साइज है 11 by 5 और साथ ही साथ ये बालकनी कवर्ड रहने वाली है। एंटी स्किड की टाइल्स भी है और सेफ्टी पर्पस के लिए आपको यहाँ पे ये ग्लास फसाड्स भी मिलने वाले हैं। और क्या चाहिए, इस ओवरऑल फ्लैट में आपको ग्लेज विट्रिफाइड डबल चार्ज टाइल्स मिलने वाली है। और इस तरफ आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया जिसकी साइज है 9 by 10.5, यानी कि आप यहाँ पे 6-सीटर डाइनिंग टेबल डिजाइन कर सकते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना। और ये है आपका किचन, इस किचन की साइज है 9 by 10 और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये इंजीनियर ग्रेनाइट का एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ मिलने वाला है आपके माइक्रोवेव के लिए और एक्स्ट्रा कैबिनेट्स के लिए ये स्पेस। इस किचन प्लेटफॉर्म पे आपके कुकिंग के लिए ये सिंक मिलने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे ये मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज और ये चिमनी भी मिलने वाली है। इस तरफ आ जाता है आपका यूटिलिटी एरिया यानी कि ड्राई बालकनी, और यहाँ पे भी आपको एक सर्विस प्लेटफॉर्म मिल जाता है विथ वन मोर सिंक फॉर योर यूटेंसिल्स। और इस तरफ आ जाता है आपकी वॉशिंग मशीन के लिए डेडिकेटेड स्पेस। इस ओवरऑल प्रोजेक्ट में आपको 60+ यूजेबल एमिनिटीज मिलने वाली है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे और कनेक्टेड रूफटॉप पे भी रहने वाली है। खासकर इस प्रोजेक्ट में आपको पेट पार्क मिलने वाला है, म्यूजिकल गार्डन मिलने वाला है, क्रॉसफिट जिम भी है और कोवर्किंग स्पेस भी। इस तरफ मिल जाती है आपके बच्चों के बेडरूम। इस बेडरूम की साइज है 10 by 12। यूजुअली इतनी बड़ी बेडरूम कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे मिलने वाली है। इस बेडरूम में आप इसी तरह से आपके बच्चों के लिए बंकर बेड डिजाइन कर सकते हैं या फिर सिंगल साइज बेड भी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वार्डरोब के लिए भी स्पेस मिल जाता है। इस बेडरूम में आपको ये फुल लेंथ विंडो मिल जाती है जो कि टफ एंड ग्लास की रहने वाली है। नीचे के साइड से क्लोज रहेगी और ऊपर की साइड से आप हाफ साइड ओपन कर सकते हैं फॉर द मोर एयर फ्लो एंड वेंटिलेशन। साथ ही साथ इस बेडरूम के इस कॉर्नर में आप आपके बच्चों के लिए स्टडी टेबल डिजाइन कर सकते हैं जहां पे बैठ के आपके बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। और इस तरफ मिल जाता है आपको आपका कॉमन वॉश बेसिन एरिया और ये है आपका कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे आपको CP एंड सैनिटरी दोनों फिटिंग सेरा के मिलने वाली है। साथ ही साथ एंटी स्किड की टाइल्स है और वॉल पे भी डिजाइनर टाइल्स। इस वॉशरूम के बिल्कुल अपोजिट ही मिल जाती है आपको आपकी गेस्ट बेडरूम। इस बेडरूम की साइज रहने वाली है 11 by 12 और यहाँ पे आपके वार्डरोब के लिए भी आपको स्पेस मिल जाता है। और साथ ही साथ इधर है आपका अटैच्ड वॉशरूम। इस बेडरूम में आप बिल्कुल मास्टर बेडरूम जितना ही बड़ा बेड डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये फुल लेंथ विंडो भी मिलने वाली है जो टफ एंड ग्लास की है। अब आपको आपके किचन में मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज और चिमनी मिलने वाली है। उसकी जगह अगर आपको AC चाहिए वो भी एवरी बेडरूम में, तो आपको आपके किड्स बेडरूम में भी, गेस्ट बेडरूम में भी और मास्टर बेडरूम में भी AC मिलने वाला है। इसी तरफ तो है आपकी मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम में आपको प्राइवेसी के लिए ये लॉबी मिल जाती है और साथ ही साथ एंट्री पे ही ये अटैच्ड वॉशरूम भी। इस बेडरूम की साइज रहने वाली है 12 by 13 यानी कि काफी ज्यादा बड़ी है। अगर आप चाहे तो इतना बड़ा वार्डरोब भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं और अगर चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा ही टीवी यूनिट या फिर वर्किंग स्पेस भी डिजाइन कर सकते हैं। इस तरफ आ जाएगा आपका किंग साइज बेड और बेड डिजाइन करने के बाद भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा एम्पल स्पेस दिख रहा होगा। और साथ ही साथ इस तरफ मिल जाती है आपकी अटैच्ड एंड कवर्ड बालकनी। अरे वाह,
मास्टर बेडरूम की बालकनी हो तो बिल्कुल ऐसी, मतलब दो लोगों के लिए एकदम बढ़िया। अगर आप चाहे तो सुबह की चाय लो, अगर आप चाहे तो सामने दिखने वाले व्यू का मजा। तो कैसा लगा आपको ये 3BHK फ्लैट, है ना बढ़िया? मुझे पता है आपको जरूर पसंद आया होगा। यहाँ पे 3BHK फ्लैट के कार्पेट एरिया स्टार्ट होते हैं 1059 स्क्वायर फीट टू 1134 स्क्वायर फीट और प्राइस स्टार्ट होती है 1.07 CR ऑल इंक्लूसिव से। मुझे पता है आपको यहाँ पे आके ये फ्लैट देखने हैं ना। अगर आप यहाँ पे साइट विजिट के लिए आना चाहते हैं तो हम साइट विजिट के लिए कैब फैसिलिटी फ्री दे रहे हैं, और अगर किसी वजह से अगर आप आ नहीं पाते हैं, बिजी है, तो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स आपके घर आके इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।